अहमदनगर जिले के शिवगांव तालुका के बाघोली गांव में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए ग्रामीणों और महिलाओं ने ग्राम सभा में सरपंच बाबा साहेब घाड़गे, उप सरपंच जमेरा ताई पापार, ग्राम सेवक जनाबाई फतले से शराबबंदी पर एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। वहीं 17 अक्टूबर को मासिक बैठक में शराबबंदी पर प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को गांव के ग्रामीणों और महिलाओं ने शिवगांव थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वास पवार को लिखित बयान देकर अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गांव में शराब बंद करने की मांग की। शराबबंदी के लिए थाने पहुंची महिलाएं रो रही थीं और पुलिस को बता रही थीं कि उनके कपड़े और रुई जल गए हैं, इसलिए उन महिलाओं ने शराब की बिक्री बंद नहीं होने पर विरोध करने की चेतावनी दी है।